दोस्तों जरूर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ऐसा क्यों तो जरा समझिए। अभी हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया, फोन पर बातचीत हुई और उनके यूक्रेन दौरे की जानकारी भी दी। इतना ही नहीं, जंग खत्म करने को लेकर पिछले दो महीनों में रूस के साथ ये दूसरी बार चर्चा हुई और ना सिर्फ रशिया के साथ बल्कि दोस्तों ठीक इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी फोन लगाया कल शाम को ही, और इस फोन पर भी बांग्लादेश यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन कटने से पहले ही पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी बातचीत की, यहां क्वाड समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मतलब एक ही दिन में दुनिया की तीन तीन बड़ी हस्तियों को फोन लगाकर बातचीत करना, और वो भी इस हालातों में जब रूस यूक्रेन की जंग, इसराइल हमास की जंग दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ रही है। कई लोगों को लग रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना होने के कगार पर हो। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा पीएम मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया और इस दौरान भी रूस यूक्रेन जंग को शांति और बातचीत के जरिए सॉल्व करने की अपील की पीएम ने। मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत को भी काफी कुछ हासिल हुआ। वहां से पीएम ने अमेरिका को साधा, दुनिया को शांति भरा संदेश दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के यूक्रेन से वापस भारत आने के बाद अभी कल शाम को ही यूक्रेन के ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि भारत में शांति सम्मेलन कराना चाहता है यूक्रेन। जेलेंस्की बोले कि पीएम मोदी से मैंने बातचीत की है, वो रूस को भी भारत बुलाने के लिए तैयार है। मतलब एक अंदरूनी राजनीति प्लानिंग ये चल रही है कि भारत एक मध्यस्थता का रोल निभाएगा और रूस और यूक्रेन दोनों देशों को यहां बुलाएगा भारत में, मतलब दोनों देशों के प्रमुख नेताओं को, और भारत बीच में मीडिएटर के तौर पर दोनों के बीच समझौता कराने के लिए तैयार है। ये प्लानिंग चल रही शांति सम्मेलन की तरह, जैसे पुराने जमाने में गांव में होती थी ना पंचायत, कि दो लोगों में, दो पक्षों में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उन्हें किसी तीसरे गांव में बुलाया जाता था, पंचायत होती थी उसके लिए बाकायदा, और उनका समाधान करवाया जाता था। कई बार जैसे लड़का लड़की की शादी के बीच में कोई दिक्कत आ गई तो लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष वाले दोनों को एक जगह पर बुलाया जाता है, और जो समाज के पंच होते हैं वो पंचायत के स्तर पर, पंचायती तौर पर, वो जिसे पंचायत कहते हैं समाज की पंचायत, उसके जरिए समाधान करते हैं, राइट? क्योंकि आजकल तो थाना, कोर्ट कचहरी, FIR वगैरह दर्ज हो जाती है, लेकिन पुराने जमाने में ये सब कुछ नहीं होता था, बल्कि सामाजिक तौर पर ही ज्यादातर केस न्याय निपटारे होते थे। तो ठीक ऐसे ही अभी भारत क्या करना चाहता है, रूस और यूक्रेन दोनों को भारत में बुलाएगा, दोनों को एक ही टेबल पर बिठाएगा, साथ में खाना पानी खिलाएगा और फिर बातचीत होगी कि आप दोनों लड़ क्यों रहे हो, ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो, इसके बजाय ये करो, शांति से काम निपटाओ, बातचीत से काम निपटाओ, दिमाग से, समझदारी से समाधान निकालो, ताकि लाखों परिवारों को दुख ना हो, लाखों लोग अपने परिवारों को ना खोएं, अपने बच्चे बच्चों को ना खोएं, और ये जंग है यहीं की यहीं खत्म हो जाए। तो ये भी प्लानिंग चल रही है। और इजराइल हमास जंग भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, मैंने आपको कल ही अपडेट बताए थे, और इसके अलावा रूस पर कल भी हमला हुआ था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा। तो इस बीच देखते हैं कि भारत में ये शांति सम्मेलन का आयोजन कब होता है। हम सभी की उम्मीद और आशा यही है कि अगर भारत ये रोल निभाता तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी बड़े गर्व की बात होगी कि दुनिया की इतनी बड़ी जंग को भारत रोकने में कामयाब रहेगा। और इससे भी अच्छी बात तो ये होगी कि लाखों मासूम बच्चे अपने माँ बाप को नहीं खोएंगे, लाखों माता पिता अपने बच्चों से दूर नहीं होंगे, क्योंकि वो तस्वीरें देखकर दिल रोने लग जाता दोस्तों, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है इस रूस यूक्रेन जंग में, लाखों लोग, लाखों की संख्या में। तो ये बहुत जरूरी है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, 2.5-3 साल होने में इस जंग को, अभी भी लगातार चल रही है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।